क्लास 12 का रिजल्ट आज डिक्लेयर किया दिल्ली से, जो एज ए होल क्लास 12 रिजल्ट ऑल इंडिया का 83.4% निकला है। और उस रिजल्ट के हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट को हम लोग को मॉर्निंग से रीजनल ऑफिस गुवाहाटी से इन कांटेक्ट में है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वहाँ का जो असिस्टेंट रीजन असिस्टेंट सेक्रेटरी आर ओ ऑफिस गुवाहाटी से रिजल्ट को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक हम लोग रिजल्ट को नहीं मिल पा रहा है। तो जस्ट अभी सेक्रेटरी मैम से जो मैसेज हम उसको दिया कि हम लोग मैंने सवेरे से ये रामवीर से इन टच में रिजल्ट के बारे में पूछताछ करने के लिए, तो मैडम को हम इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी मैम को इन्फॉर्म कर दिया था। सेक्रेटरी मैम से उसका बातचीत हो गया और मुझे मैसेज कर दिया कि मतलब जो क्लास 12 का रिजल्ट विद इन जे 1 या 2 डेज के अंदर में एक्सपेक्ट है हम लोग का यहाँ का मिलने के लिए। तो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि मतलब ये रिजल्ट विद इन 2 डेज में हम लोग यहाँ मिल जाएंगे, और एक्सपेक्ट भी करता है कि मतलब इस बार हमारा जो CBSE रिजल्ट है जो लास्ट ईयर का कंपेयर से, मतलब हम लोग थोड़ा उम्मीद रखता है कि मतलब हम लोग जो रिगरस मतलब जो एकेडमिक ऊपर में हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहा था ये 18-19 में, और वही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहा है इस बार थोड़ा रिजल्ट अच्छा देंगे और जो लास्ट के ईयर के कंपेयर से। तो हम लोग रिजल्ट विद इन दिस 1 एंड 2 डेज, मतलब बाय मंडे तक हम लोग रिजल्ट को मतलब हम लोग गुवाहाटी से हम लोग मिल जाएगा, थ्रू मेल्स थ्रू हो या कोई भी स्पेशल मैसेंजर ऑनर से भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय मंडे तक रिजल्ट को सबको, मतलब हम लोग उसको क्लियर कर देंगे जो हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिजल्ट, स्पेशली क्लास 12 का। और 10 का रिजल्ट या 12 देने के बाद ही क्लास 10 का रिजल्ट उसका भी आ जाता है, तो भी हम लोग उसका रेडी है डिपार्टमेंट जो सेकेंडरी एजुकेशन रिजल्ट को, मतलब हम लोग अभी पूरा पूरा फुल मतलब ये रेडीनेस में है रिजल्ट को। इस बार हम लोग तुरंत जब दिल्ली में अनाउंस करेगा उसका विद इन 1-2 डेज में हम लोग रिजल्ट को दे देंगे। अभी 12 का भी हम लोग इन टच विद द गुवाहाटी रीजनल ऑफिस है, मिलने के साथ हम लोग उसको मतलब रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। और इसमें जो भी है जो हाई परसेंटेज लेने वाला है उसमें बॉयज़ गर्ल्स, वो भी हम लोग उसको नाम को भी उसी समय में बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास में अभी उसका डाटा नहीं है, तो डाटा मतलब हम लोग उसी समय में हम लोग अभी जब हम लोग रिजल्ट आ जाएंगे तो उसी में हम लोग एक्सपेक्टेड जितना भी इनरोलमेंट दिया है उसका हम लोग बता देंगे उस समय में। थैंक यू।